सो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल स्टेटस पर बेस है। ये कहानी एक छोटी सी पार्टी की जिसका जन्म एंटी करप्शन के अगेंस्ट हुआ और जो इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि पिछले 10 सालों में एक रीजनल और स्टेट लेवल पार्टी से अब एक नेशनल पार्टी बन गई है। और इस पार्टी की जान है आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनियर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे हासिल किया। एक रीजनल और स्टेट लेवल पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस के लिए कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है, जिसमें से एक कंडीशन यह है कि आप किन्हीं 4 स्टेट्स में 6% वोट शेयर और 2 असेंबली सीट्स लाकर एक रीजनल और स्टेट लेवल पार्टी से एक नेशनल पार्टी बन सकते हो। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस स्टेटस को पूरा किया, जिसमें दिल्ली, पंजाब, गोवा के साथ साथ गुजरात भी शामिल है। जिसमें दिल्ली में पिछले 3 टर्म से आप पावर में हैं, जिसमें 2013 में 29 सीट्स और इन 2015 आम आदमी पार्टी वोन 67 सीट्स आउट ऑफ 70 विद अ वोट शेयर ऑफ 54.34%। और इन 2020 असेंबली इलेक्शन आप वोन 62 सीट्स। और पंजाब में तो ऐसा कमाल किया आम आदमी पार्टी ने कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, जिसमें फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज शामिल है। जिसमें आम आदमी पार्टी ने स्वीप करते हुए 92 सीट जीती 117 में से विद अ वोट शेयर 42.01%। और यही आम आदमी पार्टी का सेकंड रोलिंग स्टेट है, जिसके मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत मान साहब। इन असेंबली इलेक्शन 2022 गोवा आम आदमी पार्टी वोन 2 सीट्स इन असेंबली विद अ वोट शेयर ऑफ 6.67%। इन गुजरात असेंबली इलेक्शन यही वो 4th स्टेट था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन पाई। आम आदमी पार्टी ने 12.9% वोट शेयर के साथ 5 असेंबली सीट्स भी हासिल की। अब कंट्री में सिर्फ 6 ही नेशनल पार्टी हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल पार्टी NPP शामिल है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनका इलेक्शन कमीशन के द्वारा पॉलिटिकल स्टेटस खत्म कर दिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी की TMC और शरद पवार की NCP शामिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स करके ये बताओ कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है।